हेलो एवरीबडी वेलकम टू मैगन ड्रीन मैं हूं अनीशा आपकी अपनी इंग्लिश एडुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास इलेवंथ की जो आपकी स्नैपशॉट्स बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स ये जो आपका चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स उसके ऑथर कौन है किसने ये

नेक्स्ट वॉट वॉज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली जो ये हॉर्स था जो ये अर, अरम और मुराद लेकर आए थे जो बेसिकली मुराद लेके आया था तो इसका इनिशियली शुरुआत में स्टार्टिंग में इनिशियली यानी स्टार्टिंग में इसका बिहेवियर कैसा था क्या ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था अरम और मुराद के कि नहीं कैसा था तो इनिशियली जब ही आया था तो ये एक बैड टेम्पर्ड हॉर्स था यानी कि इसको गुस्सा आ जाता था और ये इनके इंस्ट्रक्शन ईजिली फॉलो नहीं कर रहा था तो ऑप्शन है इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड तो आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया है कि कि इनिशियली ये जो हॉर्स था इट वांटेड टू रन वाइल्ड यानी बहुत गुस्सेल हॉर्स था ये और ये इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा था इनफैक्ट आरम को तो एक बार इसने गिरा भी दिया था अपनी पीठ के ऊपर से सो इट वांटेड टू रन वाइल्ड ये एक ऑप्शन हो सकता है आंसर आगे और ऑप्शन देखते हैं इट टू ड्रिंक वाटर उसको पानी पीना था शुरू में तो ऐसा तो कुछ हमने स्टोरी में नहीं पढ़ा है इट वॉन्टेड टू रेस्ट उसको आराम करना था रेस्ट करना था तो ऐसा भी कुछ नहीं था स्टोरी में नन ऑफ दी हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया विच इज ऑप्शन नंबर ए तो शुरुआत में इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड गुस्से में कहीं पर भी इधर उधर भागना था और इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाइट मैन क्वाइट योर हॉर्स हु ये एक लाइन है जो एक कैरेक्टर ने बोली है आपके चैप्टर में कि क्वाइट मैन क्वाइट योर हॉर्स तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया अब शांति रहो, रखो और चुप रहो तो ये लाइंस किसने बोली थी तो ये लाइंस बोली थी अंकल खसरॉफ ने क्यों क्योंकि अंकल खॉसरॉफ बहुत इरिटेटेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थे हमेशा लोगों पर चिल्लाते थे हमेशा आ, चिड़े हुए रहते थे हमेशा लोगों पे चिल्लाते ही रहते थे वो और बिल्कुल भी पोलाइटली किसी से बात नहीं करते थे तो ये लाइंस जो है ये उन्होंने जॉन बायरो से कही थी जब वो उनके घर पर आए थे ओके सो ऑप्शन है जॉन बायरो तो जॉन बायरो से कही थी अंकल खॉसरोफ ने जॉन बायरो ने ये लाइन नहीं कही थी तो ये ऑप्शन नहीं होगा बी अंकल खॉसरॉफ तो यस अंकल खफ ने ही ये लाइन कही थी नॉट मेंशन इन द स्टोरी स्टोरी में मेंशन ही नहीं किया कि किसने ये लाइन बोली तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल क्लियरली है कि अंकल खॉसरॉफ ने ही ये बोली थी तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आरम आरम ने ये लाइन नहीं बोली थी हमने चैप्टर पढ़ा है हमें मालूम है सो ऑप्शन नंबर बी अंकल खॉसरॉफ इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल खॉसरॉफ अंकल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे तो ऑप्शन है hot -tempered. हमेशा hot -tempered रहते, उनको टेम्पर यानी कि गुस्सा ही चढ़ा रहता था हमेशा गर्म दिमाग के रहते थे तो यस yes, हमेशा लोगों पे चिल्लाते रहते थे तो यस वी कैन से दैट नेक्स्ट इरिटेबल हमेशा इरिटेबल रहते थे चिड़चिड़े रहते थे लोगों से इरिटेट होते रहते थे लोग उनको पसंद नहीं आते थे लोगों पर चिल्लाते रहते थे तो यस वी कैन से दैट वो एक इरिटेबल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थे इम्पेश Impatient, वो इंसान जिसमें सबर नहीं होता बिल्कुल जिसमें पेशेंस की कमी होती है तो उन्हें हम impatient कहते तो yes, वो बिल्कुल थे उनको किसी चीज़ का कोई वेट करना पसंद नहीं था बस चिल्लाते रहते थे और कि जल्दी मेरा काम हो जाए तो yes, we can say that कि वो पेशेंट भी थे बेसिकली ये तीनों ऑप्शन डिस्क्राइब करते हैं अंकल ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ऑल ऑफ द वॉट डिड अंकल खसरू टू स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉक अंकल खसर के सामने जब भी कोई बात करता था तो वो उसको स्टॉप कर देते थे बीच में ही उसको बोलना उसका सामने वाले का बंद कर देते थे तो वो कैसे सामने वाले का बात करना रुकवा देते थे ऑप्शन है बाई इंटरप्टिंग इन बिटवीन बीच में इंटरप्ट करके यानी बीच में उनको डिस्टर्ब करके उनकी बात काट के अपनी बात बोलना स्टार्ट कर देते थे तो ऐसा नहीं करते थे वो बाय वॉकिंग अवे जब कोई बात कर रहा होता था तो बस वो उठते थे वहां से वॉक करके चले आते थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते थे तो ऐसा भी नहीं करते थे वो इतने शांत काइंड ऑफ पर्सनैलिटी तो वो थे नहीं बाय शाउटिंग एट दम तो yes. चिल्लाने लगते थे और लोगों का मुंह बंद करवा देते थे जैसे क्वाइट माइंड क्वाइट योर हॉर्स रिटर्न इस तरीके से वो चिल्ला के जॉन बायरों को चुप करा देते थे तो लोगों पर वो शाउट करते थे तो ये दिस कैन बी योर आंसर बाई पुशिंग दम आउट ऑफ दर हाउस उन लोगों को धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देते थे तो ऐसा भी नहीं करते थे इतने भी जलाद नहीं थे अंकल लोगों पे बस चिल्लाते थे हमेशा और उनको बात करते करते उनको रोक देते थे सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन बाय शाउटिंग एट देम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज अंकल खॉसरोफ कस्टमरी लाइन अंकल खोसरॉफ की कस्टमरी लाइन क्या थी कस्टमरी लाइन बोले तो पेटेंट लाइन एक ऐसी लाइन जो इंसान हमेशा बोलता है या जो लाइन हमेशा यूज़ करता है ऑलमोस्ट अपनी हर बात में सो so, ऑप्शन है ऑल इज़ वेल मेरे को लग रहा है कि अंकल खोसरॉफ बिल्कुल भी थ्री इडियट्स मूवी से इंस्पायर्ड नहीं थे तो ऑल इज़ वेल तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था उनकी कस्टमरी लाइन नहीं थी द शो मस्ट गो ऑन द शो मस्ट गो ऑन ओम शांति ओम में ये शाहरुख खान ने बोला था द शो मस्ट गो ऑन तो आई गेस अंकल खोसरफ शाहरुख खान से भी बिल्कुल भी इंस्पायर्ड uh, नहीं थे तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट तो येस ये एक लाइन थी कस्टमरी लाइन या पेटेंट लाइन थी अंकल खोसरफ की जो वो बार बार रिपीट करते थे कि इट इज नो हार्म कोई या कोई मुश्किल की बात नहीं है अटेंशन टू इट इस चीज़ पर अटेंशन मत दो अपना इस चीज पर अपना ध्यान मत दो तो यस ये, ये उनकी कस्टमरी लाइन थी और ऑलमोस्ट अपनी हर बात में वो यही लाइन यूज करते थे ऑप्शन नंबर फोर इट भूल जाओ तो ऐसा कोई ऑप्शन या कोई कस्टमरी लाइन हमने नहीं पढ़ी आपके चैप्टर में जो हमने पढ़ा है वो यही है दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट और यही अंकल खॉसरॉफ की कस्टमरी या पेटेंट लाइन है जिसे वो बार बार यूज करते थे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द घारोग्लानियन ट्राइब अब जो अरम और मुराद है वो दोनों गारो ग्लानियन ट्राइब के थे यानी कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे तो उनके हॉल मार्क्स क्या है हॉलमार्क्स यानी कि उनके इम्पॉर्टेंट uh, क्वालिटीज़ क्या हैं इस कम्युनिटी की इस ट्राइब की सो ऑप्शन हैं ट्रस्ट ये लोग बहुत ट्रस्ट वी होते हैं यानी कि इन लोगों पर विश्वास किया जा सकता है ये लोग धोखेबाज नहीं होते तो यस ये एक हॉलमार्क या ये एक क्वालिटी थी गारो ग्लानियन ट्राइब की सेकेंड ऑनेस्टी यानी जो लोग हमेशा सच बोलते हैं कभी झूठ नहीं बोलते किसी को धोखा नहीं दे सकते तो यस ये भी एक हॉलमार्क था इस ट्राइप का ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी तो यस ए और बी दोनों हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी एक राइट right ऑप्शन है डी नन ऑफ दी अबव ये हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है ए और बी तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट एट वॉट टाइम डिट अर मुराद दिन के कौन से टाइम में हॉर्स राइडिंग करते थे क्योंकि उन्होंने तो चुपचाप जॉन बाइरो का यह हॉर्स ले लिया था आ, मुराद, ने और मुराद ने बताया था आरम को तो किसी ऐसे टाइम पे ये दोनों हॉर्स राइडिंग करते थे जब इन्हें कोई ना देखे नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा कि जॉन बायरो का हॉर्स किसी ने चुरा लिया है और चुराने वाले ये दोनों बच्चे ही थे ओके okay? तो ऐसे कौन से टाइम पे ये दोनों हॉर्स uh, राइडिंग करते थे जब लोगों को पता ना चले और ये लोगों को दिखाई ना दे तो ऑप्शन है डे टाइम बिल्कुल दिन दहाड़े तो ऑब्वियसली अगर डे टाइम करेंगे तो पकड़ा जाते तो डे टाइम में तो करेंगे नहीं नाइट टाइम एकदम रात के अंधेरे में तो रात के अंधेरे में भी नहीं करते थे क्योंकि अंधेरे में घोड़े को दिखाई नहीं देगा तो भागेगा कैसे या राइड कैसे करवाएगा गिरा देगा इनको तो नाइट टाइम भी नहीं इवनिंग यानी कि शाम के समय में तो शाम के समय में भी नहीं करता था क्योंकि लोग उस टाइम रहते हैं शहर में इधर उधर अपना काम करते हैं, तो दिख जाता कि ये दोनों ने चुराए हुए हॉर्स पे राइडिंग कर रहे हैं तो ये भी नहीं अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह के पांच छह बजे का जो टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग उस टाइम पे तो यस yes, ये दोनों अर्ली मॉर्निंग में हॉर्स राइडिंग करते थे ताकि लोगों की नजर में ना आए सो ऑप्शन नंबर डी अर्ली मॉर्निंग इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट आई हैव अ वे विध फार्मर्स इट टू ये एक लाइन है जो आपकी आपके चैप्टर में यूज हुई है किस तरीके से बात करनी चाहिए और अपनी बात उनसे कैसे मनवानी मन्वा, चाहिए मुझे बहुत अच्छे से आता है तो ये चीज किसने बोली थी ये लाइन किसने बोली थी और किसको बोली थी हु से कही लाइन तो ऑप्शन है मुराद टू आरम तो so यस yes, हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया है मुराद टू आरम क्योंकि मुराद ही था जो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालता था आरम के लिए और कहता था कि आई हैव अ वे विथ फार्मर्स या आई हैव अ वे विथ दिस जिससे भी बात करने के लिए होती थी तो हमेशा मुराद कहता था हाँ ठीक है मुझे आता है आई हैव अ वे विध सो एंड सो पर्सन मेरे पास तरीका है कि इस इंसान से कैसे बात करनी चाहिए तो मुराद ये चीज़ हमेशा आराम से कहता था तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया दूसरा ऑप्शन देखते हैं जॉन टू जॉन बायरो ने कभी आराम से ऐसा नहीं कहा अंकल खौसरोफ टू अरम अंकल खौसरोफ ने भी कभी नहीं कहा अरम टू मुराद तो अरम टू मुराद कभी नहीं था मुराद ही यह चीज हमेशा अरम से कहता था सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन मुराद ही यह चीज अरम से कहता था हमेशा नेक्स्ट हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स इस चैप्टर uh, के जो ऑथर हैं वो तो विलियम सारोयन हैं लेकिन ये जो चैप्टर है ये जो स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इसके नरेटर कौन है यानी किसने अपने मुंह से ये अपनी पूरी स्टोरी बताई है तो इसके ऑप्शंस में है विलियम सारोयन तो विलियम सारोयन नहीं हो सकते क्योंकि वो तो ऑथर है हमसे क्या पूछा गया नरेटर नरेटर वो इंसान होता है जो पूरे अपने मुँह से पूरी कहानी बताता है मुराद क्या मुराद ने अपनी स्टोरी बताई थी नहीं जॉन बायरो जॉन बायरो ने बताई थी क्या नहीं क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ाया और हमें पता है बहुत अच्छे से कि अरम ऑप्शन नंबर डी अरम अरम ने ही पूरी स्टोरी नरेट करी है तो वही स्टोरी का नरेटर है सो ऑप्शन नंबर डी अरम इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद द हॉर्स बिफोर अरम गॉट टू नो अबाउट इट तो जब मुराद ने एक दिन अरम को बताया सुबह सुबह आके कि देखो मेरे पास एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स है उस दिन के कितने दिन पहले से मुराद ये हॉर्स को छुपा के रखा था और इस इस पर सुबह सुबह हॉर्स राइडिंग करता था तो अरम को बताने से पहले मुराद के पास पूरे पूरे एक महीने से ये हॉर्स ऑलरेडी था और उसने तब तक अरम को भी नहीं बताया था एक महीना उसने बहुत अच्छे से हॉर्स राइडिंग करी और उसके बाद जाके उसने अरम को बताया कि मेरे पास एक हॉर्स है सो so, ऑप्शन है वन आर क्या अरम को बताने से पहले एक घंटे से उसके पास ये हॉर्स ऑलरेडी था नहीं वन मंथ तो यस yes, एक महीने से उसके पास ये हॉर्स ऑलरेडी था टू डेज दो दिन पहले से था नहीं टू वीक्स दो हफ्ते पहले से था मुराद के पास ये हॉर्स तो वो भी नहीं था क्योंकि हमने स्टोरी पढ़ी है ना एज पर दी स्टोरी अरम को बताने से पहले मुराद के पास पूरे पूरे वन मंथ तक एक महीने तक ये हॉर्स ऑलरेडी था उसने छुपा के रखा था सो ऑप्शन नंबर बी वन मंथ इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट द द समर ऑफ ऑफ हॉर्स इज अ स्टोरी स्टोरी टू डैश बॉयज ये जो स्टोरी है द समर ऑफ ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स ये टू कौन से बॉयज की स्टोरी है कौन से दो बॉयज के बारे में यहां पे बात हो रही है तो ऑप्शन हैं दो अमेरिकन बच्चों की बात हो रही है क्या तो ऐसा तो कुछ भी हमने स्टोरी में नहीं पढ़ा है कोई अमेरिकन बच्चों की बात नहीं हो रही है टू इंडियन बॉयज इंडियन बॉयज के बारे में भी बात नहीं हो रही है क्योंकि हमने स्टोरी पढ़ी हुई है ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं है टू अरेबियन बॉयज दो अरेबियन बॉयज की बात हो रही है क्या तो दो अरेबियन बॉयज की भी बात नहीं हो रही हमने स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ी है डी आर्मेनियन तो यस आर्मेनिया इज अ कंट्री और ये दो आर्मेनियन बॉयज की ही स्टोरी है और यही हमने चैप्टर में पढ़ा है सो ऑप्शन नंबर डी आर्मेनियन इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन डैश लर्न टू स्पीक आर्मेनियन आउट ऑफ लोनलीनेस ऐसा कौन सा इंसान था जिसमें आर्म, जिसने आर्मेनियन लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करी थी जब वो लोनली था आउट ऑफ लोनलीनेस यानी जब वो बिल्कुल अकेला रहता था उसकी फैमिली में कोई नहीं था वो बोर होते रहता रहता तो लोनलीनेस के होते होते हुए उसने कौन सी लैंग्वेज सीख ली अपने खालीपन में तो ऑप्शनस उसने आर्मेनियन लैंग्वेज सीखी तो किसने सीखी थी ये लैंग्वेज तो उसके ऑप्शनज है अंकल खॉसरोफ तो अंकल खॉसरोफ तो खुद ही एक आर्मेनियन थे तो वो क्यों सीखेंगे तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता जॉन बायरो यस जॉन बायरो जब वो खाली बैठा रहता था उसके पास कोई काम नहीं होता था वो काफी लोनली रहता था तो उसने अपने फ्री टाइम में ये आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी तो जॉन इंसान था जिसने आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी आरम, आरम तो खुद एक आर्मेनियन था तो उसको सीखने की क्या जरूरत है उसको तो नेचुरली आती ही था मुराद अगेन मुराद भी वो खुद ही आर्मेनियन था तो उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं थी उसे तो ऑलरेडी आता था ये लैंग्वेज सो ऑप्शन नंबर बी जॉन बायरो इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन

क्योंकि उनका कॉन्शियस उनकी अंतर आत्मा ये अंदर से जवाब दे रही थी कि आप लोग ग्लानियन ट्राइब से हो जिसके हॉलमार्क्स हैं ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी सदियों से आप लोगों की ये ट्राइब जानी जाती है कि आप कितने ट्रस्ट वर्दी हो और आप कितने ऑनेस्ट हो कितने सच्चे हो लेकिन आज आपने एक हॉर्स चुरा लिया इतने दिनों से और उसको यूज कर रहे हो तो इसीलिए उनका कॉन्शियस ट्रिकेन उनके अंदर से ये आवाज आई कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं इसलिए इसको वापस कर देते तो ये एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा हुआ था और ऑप्शन देखते हैं बिकॉज देवर अफ्रेड क्योंकि उनको डर लगा था अगर डर ही लगता तो चुराने के अगले दिन ही वापस कर देते इतने महीनों तक क्यों यूज करते उनके हॉर्स को तो डर तो उनको नहीं लगा था तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा बिकॉज दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू हाइड द हॉर्स क्योंकि उनको बहुत मुश्किल लग रहा था हॉर्स को छुपाना तो ऐसा तो कुछ नहीं था उन्होंने एक वाइन यार्ड में पुराने वाइन यार्ड में जहाँ कोई आता जाता नहीं था वहाँ छुपा लिया था और वही उसकी छुपाने की परमानेंट जगह रख ली थी तो ऐसा तो कुछ इनके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं था हॉर्स को छुपाए रखना तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता बिकॉज देवर कॉट क्योंकि वो पकड़ा गए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ाए थे जॉन बायरो से मिल जरूर लिए ले थे लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी बात को मैनिपुलेट किया जॉन बायरो के सामने और जॉन बायरो को लगता था ये आर्मेनिया ये गारोग ट्राइब के बच्चे कभी झूठ नहीं बोल सकते इतने ऑनेस्ट है तो उन्होंने उनकी ट्राइब की वजह से उस, उन पर विश्वास कर लिया और पकड़ नहीं पाए पकड़ाए नहीं थे वो लोग एंड में सो ऑप्शन नंबर ए बिकॉज दे वर कॉन्शियस ट्रिकन इज अ राइट ऑप्शन कि उनके अंतरात्मा उनके अंदर से उनकी सोल बोल रही थी कि आप लोग गलत कर रहे हो और ये वापस कर दो नेक्स्ट नो मेंबर ऑफ द घारो ग्लानियन फैमिली कुड बी डैश तो घारो ग्लानियन फैमिली या जो घारो ग्लानियन उनकी जो ट्राइप है इसका कोई भी मेंबर क्या नहीं हो सकता है तो ऑप्शन है रिच भाई ये ये तो थी थी और बहुत थी। बहुत ज़्यादा गरीब था ये खाना नहीं खा सकते थे तो ये लोग कभी रिच नहीं हो सकते तो ऐसा तो कुछ नहीं है मेहनत करके तो हर कोई रिच बन जाता है तो ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता अ थीफ एंड डिसऑनेस्ट तो यस ये एक ऑप्शन है कि कोई भी घारोगानियन फैमिली से थीफ या डिसऑनेस्ट यानी चोर या कोई झूठा इंसान नहीं हो सकते क्योंकि ये इनके हॉलमार्क्स थे इन्हीं दो क्वालिटीज की वजह से ये सदियों से ये ट्राइब घारोग्लानियन जानी जाती थी तो नो मेंबर ऑफ द घारोगानियन फैमिली कुड बी अ थीफ एंड डिसऑनेस्ट ओके पुअर तो पुअर नहीं हो सकते पुअर तो ये ऑलरेडी थे ही गरीब तो इतने थे कि पूछो ही मत तो पुअर तो ये लोग ऑलरेडी थे कोई भी इनकी फैमिली से क्रेजी नहीं हो सकता तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि क्रेजी था इनकी फैमिली में भाई अंकल खोसरो बहुत क्रेजी पर्सन थे ओके okay? सो so, कोई भी घारोग्लानियन फैमिली से एक थी या डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं हो सकता इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट हाउ डज अरम डिस्क्राइब द हॉर्स अरम ने हॉर्स को कैसे डिस्क्राइब किया है क्या डिस्क्रिप्शन बताई कि हॉर्स कैसा दिखता है सो so, ऑप्शन है मैग्निफिसेंट बहुत ही मैग्निफिसेंट था यानी देख के इंसान उसको देखता ही रहे कि कितना ब्यूटीफुल हॉर्स है तो ये yes, ऐसा उसने बोला उसने बोला था लवली बहुत ही लवली बहुत ही प्यारा हॉर्स है तो यस yes, वो बहुत ही प्यारा हॉर्स था वाइट कलर का ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बहुत सुंदर व्हाइट कलर का फरी उसकी पूरी बॉडी पे फर fur थे फरी हॉर्स था तो so, यस yes, ये तीनों डिस्क्रिप्शन दी थी उसने हॉर्स के बारे में सो so, यस yes, तीनों ऑप्शन करेक्ट है दैट मीन ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अब इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट हु वॉज द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स असली मालिक असली ओनर कौन था हॉर्स का सो so, ऑप्शन है मुराद तो क्या मुराद रियल ओनर था नहीं मुराद ने तो चुराया था तो वो ओनर नहीं था अंकल खौसरोफ बिल्कुल भी नहीं अंकल खौसरोफ तो उसके फैमिली के एक अंकल थे उसके थे तो वो ओनर नहीं थे हॉर्स के और अगर उनके घर का ही हॉर्स होता तो मुराद को चुराने की क्यों जरूरत पड़ती यस सी जॉन यस जॉन बायरो वो इंसान था वो फार्मर था जो कि रियल ओनर था इस हॉर्स का तो यस ये एक राइट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता क्यों क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी जॉन बायरोके क्स्ट मुराद एंजॉयड बींग डैश मोर देन एनी बडी एल्स तो मुराद को क्या रहना अच्छा लगता था कैसा उसकी कैरेक्टर था कैसी उसकी पर्सनैलिटी थी और ऐसी किसी की और हो ही नहीं सकती थी सो so, ऑप्शन है अलाइव वो बहुत ही अलाइव बहुत ही जिंदा दिल टाइप का इंसान था उसको लाइफ को इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता था तो यस ही वॉज अइंड ऑफ अ पर्सन तो मुराद इंजॉयड बींग अलाइफ मोर देन एनी बडी एल्स तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगता था अलाइव रहना यानी हर चीज़ को इन्जॉय करना जिंदा दिल टाइप का वो इंसान था ही वॉज बामी बामी का मतलब होता है क्रेजी तो so, वो क्रेजी नहीं था He was not a crazy person. उसको लोग सोचते थे कि वो crazy है लेकिन वो crazy नहीं था पागल या mad नहीं था वो अलाइव था यानी कि जिंदा दिल इंसान का था उसको हर चीज इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता था तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता Sad, क्या वो दुखी का इंसान था उसमें और उसको राइड करके एंजॉय करे तो ऐसा नहीं था ऑल ऑफ मिल गया ओके okay, तो मुराद एक बहुत ही अलाइव जिंदा दिल टाइप का इंसान था नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट अकॉर्डिंग टू अरम फर्स्ट लॉन्गिंग लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर तो उसकी पहली longing, उसकी पहली इच्छा हमेशा से क्या रही थी कि उसे लाइफ में ये करना है ये चीज उसकी इच्छा हमेशा रही तो ऑप्शन है टू ओन हाउस उसको एक घर खरीदना था तो ऐसा तो कुछ नहीं घर उसके पास ऑलरेडी था

चिड़ियाघर जाना था तो उसको तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था ऐसा हमने कुछ भी स्टोरी में नहीं पढ़ा उसकी हमेशा से पहली इच्छा यही रही है कि मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर द हॉर्स वॉज स्टोलिन एंड रिटर्न इट बिकेम डैश जब मुराद ने ये हॉर्स चुराया था और अरम को बताया कि मैंने हॉर्स चुराया तो दोनों ने एक दो दिन काफ़ी इन्जॉय किया हॉर्स को राइडिंग करी बहुत मजे किए तो उन दोनों ने नोटिस किया कि हॉर्स बहुत ज़्यादा बैड टेम्पर्ड है बहुत ज्यादा एंग्री टाइप का हॉर्स है गुस्से वाला है इनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा लेकिन जब इन्होंने इतने महीने रखा उसको इंजॉय किया और उसको हॉर्स राइडिंग करी तो क्या हुआ जब उन्होंने वापस किया जॉन बायरो को उनका ये तो वो काफी था बन के पास तो हॉर्स तो की क्या उस टाइम सिचुएशन थी तो ऑप्शन बीमार। क्या बीमार बीमार हालत में उन्होंने हॉर्स को वापस किया था नहीं ऐसा कुछ नहीं था हमने चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा Stronger, वो काफ़ी काफ़ी बन बन गया था, काफी बन गया था था ताकतवर इन लोगों ने उसको इतना राइडिंग करी उसको इतना इंस्ट्रक्शन uh, दे दे के सिखाया कि वो थोड़ा स्ट्रांगर बन गया तो येस वी कैन से दैट बेटर टेम्पर्ड कि टेम्पर यानी गुस्सा अब उसका गुस्सा भी थोड़ा कम हो गया वो थोड़ा बेटर टेम्पर्ड हॉर्स बन गया और इंस्ट्रक्शन फॉलो करता था तो यस yes, ऐसा भी था क्योंकि पहले तो बहुत गुस्सेल हॉर्स था ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी तो यस बी एंड सी दोनों ही सही ऑप्शन है सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सो ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी कि हॉर्स को जब चुराने के बाद वापस किया इन लोगों ने जॉन बायरो को तो हॉर्स काफी स्ट्रांगर और बेटर टेम्पर्ड यानी उसका गुस्सा काफी कंट्रोल में आ गया था वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था सो ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन सो चिल्ड्रन हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन आई होप आपको सारे एम अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं अगर वहां नहीं मिले तो आप गूगल पे जाइए हमारी वेबसाइट का नाम डालिए मैगनेट ब्रेम डॉट कॉम जैसे ही आप वेबसाइट को विजिट करेंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश के वीडियोज देखने तो ये इंग्लिश का ऑप्शन है ये हॉर्नबिल है ये स्नैप है जो भी आपको देखनी है आप उस पर क्लिक करिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियोज आ जाएंगी आप अगर क्लिक करेंगे किसी भी चैप्टर पे तो इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर YouTube पे आपको इजीली वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो वेबसाइट से आप इजीली कैसे उनको एक्सेस कर सकते हो एंड डू नॉट फोगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर आर यूट्यूब चैनल तब तक लिए बाय एंड टेक केयर